नमस्कार, डीएनएक्स विशेष में आप सभी का स्वागत है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लगातार महिलाओं के गेम्स में भागीदारी के लिए प्रयास कर रहा है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में एक महिला और एक पुरुष फ्लैग बीरर होंगे। मिक्स्ड इवेंट्स की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है, जो रियो ओलंपिक से दोगुनी है। इस वजह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इस सदी में महिलाओं की भागीदारी में 10% की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही उनके इवेंट्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। महिला खिलाड़ी 340 में से 300 इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। पहली बार व्यक्तिगत शूटिंग में पुरुष से ज्यादा महिला खिलाड़ी है। इस बार 240 महिला जबकि 208 पुरुष खिलाड़ी उतरेंगे। 1900 में पहली बार महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 22 महिला खिलाड़ी उतरी थी दो इवेंट में। यह कुल खिलाड़ियों का 2.2% था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक में लैंगिक समानता को खत्म करने के लिए ओपनिंग सेरेमनी में शपथ लेने वाले की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी है। मेजबान देश का एक एथलीट सभी एथलीट की ओर से शपथ लेता था, ऐसा ही कोच और जज के साथ भी है। टोक्यो 2020 से तीनों ग्रुप में एक पुरुष के साथ एक महिला भी होगी। इसके साथ ही शपथ में 2 नए शब्द जोड़े गए हैं, समावेश और समानता। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।